गर्मी के शुरू होते ही हमें लगता है कि ऐसा क्या पिए ठंडा ठंडा जो हमारे दिल और दिमाग को एकदम से फ्रेश कर दे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक को शेयर करने वाली हूँ जिसे पीते ही आप कहेंगे वाह, ठंडा ठंडा कूल कूल दिल और दिमाग एकदम से फ्रेश हो जाएगा और आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं बताया। हेलो एवरीवन, कुक एंड ब्लॉग विद संध्या में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये पान गुलकंद की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। देर ना करते हुए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पान गुलकंद ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश पान के पत्ते, जिसे कि हम ने धो लिया है अच्छी तरह से, और इसके डंठल को इस तरह से निकाल लेंगे। अब सभी पान के पत्तों को इस तरह से हाथों से ही तोड़ के मिक्सी में पीसना है। अब सिर्फ पान पीसेंगे तो नहीं पिसाएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच ये पानी डाला है और इसको पीस लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी की जगह आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चीनी आप अपने हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें गुलकंद भी डालने वाली हूँ तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आप चाहे तो सिर्फ गुलकंद डालकर ही बना सकते हैं। 1 से 2 चम्मच गुलकंद को डालेंगे। मैंने 2 चम्मच चीनी भी डाली है, और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए यहाँ हम डालेंगे सौंफ, मोटी वाली सौंफ है ये, 1 छोटा चम्मच डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर 4 चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ठंडा दूध। इन सभी को डालते हुए स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। देखिए कुछ इस तरह का होगा, और इसे हम छान लेंगे छन्नी से। ये जो पान मसाला मैंने बनाई है, इसे आप ज़्यादा करके बनाकर भी स्टोर कर सकती है फ्रीज में, 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होंगे। बस दूध की जगह आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, और जब भी आपको ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करे या कोई मेहमान आए उसको फटाफट से कुछ अगर आपको ड्रिंक सर्व करना है तो इस तरह से आप दूध में या पानी के साथ दे सकते हैं, एकदम से दिल खुश हो जाएगा। और छानते हुए जो बच गया है इसे भी फेंकेंगे नहीं, ये बिल्कुल पान के स्वाद का है, गुलकंद भरा हुआ है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो मैं इसे बाद में थोड़ा बहुत खाती रहती हूँ। और ये जो कलर है इसमें, और इसका कलर प्यारा लगने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और फूड कलर डालते ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर दिख रहा है। अब ये तो हो गई है रेडी, इसे रखते हैं एक साइड। अब इस पान मसाले को एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे, 3 से 4 चम्मच है, इसको हम डाल देंगे। अब इस ड्रिंक को और भी टेस्टी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जब आप बना के पियेंगे तो आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गुलकंद, साथ ही आइस क्यूब 4 से 5 6 जितना भी आपको पसंद है। और अब इसके साथ एक ऐसी चीज़ डालने वाली हूँ, वैनिला आइसक्रीम, और इसके डालते ही स्वाद और भी बहुत यमी होने वाली है। अब इसके अंत में डालेंगे 1 ग्लास ठंडा दूध। मैं 1 ग्लास के लिए बना रही हूँ, आप
अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से सभी चीज़ें आप ऐड कीजिएगा। अब सारी चीज़ें डल गई हैं तो इसे एक बार फिर से चला लेंगे। ऊपर से और आइस देंगे। और देखते ही देखते हमारा सुपर टेस्टी, रिफ्रेशिंग, बहुत ही फ्लेवरफुल ये पान गुलकंद की ड्रिंक रेडी हो चुकी है पीने के लिए, बिल्कुल ठंडा ठंडा। जब आप पियेंगे ना तो एक गिलास से आपका मन नहीं भरने वाला। तो इस ड्रिंक को बनाइए, स्टोर करके भी रखिए और जब मर्जी तब बनाकर पिए, मेहमानों को पिलाए। गर्मी का समय है, जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें लगता है कि जल्दी से कोई ऐसा ड्रिंक मिले जिसे पीकर एकदम से दिल दिमाग ठंडा हो जाए, तो उस समय ये बहुत काम की चीज़ है। तो आप ज़रूर बनाएं और सुपर फ्लेवरफुल पान गुलकंद की ये ड्रिंक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।